नमस्ते गुरु क्लियंट्स, होप यू आर डूइंग फाइन एट होम एंड स्टडिंग कंटिन्यूअसली। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड वीडियो, दैट इज़ पार्ट टू ऑफ चैप्टर नंबर 8, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी। ठीक है, इन फर्स्ट वीडियो वी हैव कवर्ड द बेसिक टर्मिनोलॉजीज लाइक व्हाट इज डिजीज, व्हाट आर पैथोजेंस, देन the different type of disease, the categorization of disease, whether it is communicable, non-communicable, then it is further divided into 5 types. Communicable are divided into 5 types: bacterial, viral, protozoan, helminthic. Same as ही आपकी non-communicable disease, these are further divided into deficiency disease or degenerative disease, cancer, allergic disease. ठीक है, तो वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। सो लास्ट वीडियो में हम बैक्टीरियल डिजीज कंप्लीट कर चुके हैं, इन विच टू डिजीज वर इंक्लूडेड। फर्स्ट वन वाज टाइफाइड और सेकंड वन वाज निमोनिया। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड टाइप ऑफ डिजीज विच आर वायरल डिजीजेज। वायरल डिजीजेज, वायरल डिजीज में देर आर 3 डिजीजेज विच आर मैंशनड इन एनसीईआरटी सिलेबस। ठीक है, द फर्स्ट वन इज कॉमन कोल्ड। ठीक है, तो वायरल डिजीज क्या होती है ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिख देता हूं। Which are caused by viruses. ठीक है, सो द फर्स्ट डिजीज इज कॉमन कोल्ड। सबसे पहले जो कॉमन कोल्ड जो है उसकी ऑर्गेनिज्म, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, दिस इज ए वायरस नेम्ड एज राइनो वायरस, RHINO राइनो वायरस। ठीक है, सेकेंड इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, चलो सिम्टम्स से पहले लिखते हैं ये फैलती कैसे है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो फैलती कैसे है, थ्रू स्नीजिंग, कफिंग, कफिंग में ड्रॉपलेट्स जाती हैं, जो कफिंग ड्रॉपलेट्स, इन्फेक्टेड यूटेंसिल्स एंड क्लोथ्स। कि अगर आज मुझे है कॉमन कोल्ड, तो जब मैं छींक मारूंगा या खांसूंगा तो क्या होगा, कुछ ड्रॉपलेट्स जो हैं वो बाहर आएंगी। वो ड्रॉपलेट्स मान लो मेरे पेन के ऊपर गिर गई, मेरे मोबाइल के ऊपर गिर गई, और वो मोबाइल किसी और ने यूज़ किया, तो that another person can be infected. So mode of transmission हो गया। तीसरा point है, it lasts for 3 to 7 days. Normally 3 to 7 दिन ही रहता है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होता। Symptoms, कोल्ड, या हम बोलेंगे इसको रनिंग नोज, सेकेंड होर्सनेस, HOARSE होर्सनेस होता है,
मोटी आवाज़ हो जाना, ठीक है। मोटी आवाज़ को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लो पिच वॉइस। तीसरा है ड्राइनेस एंड इचीनेस इन थ्रोट। गला ऐसा लगेगा कि उसमें खुजली खुजलाने का मन करता है या फिर उसके अंदर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस सी हो गई है, ठीक है। फोर्थ है हेडेक। फिफ्थ है नेसल कंजेशन। कंजेशन मतलब नाक रुक जाना, ठीक है। कई बार हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, नाक रुक जाना, उसको बोलते हैं नेसल कंजेशन। सो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हो गया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया, सिम्टम्स हो गए। इसके लिए जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में हम एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड डी कंजेस्टेंट ले सकते हैं। ट्रीटमेंट यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एंड डी कंजेस्टेंट। डी कंजेस्टेंट मतलब जो ब्लॉकेज हो रखी है उसको कम करवाना। जैसे हम एक वो विक्स वाली ऐसे सूंघते हैं, वो भी क्या है, एक डी कंजेस्टेंट है। कुछ कप सिरप होते हैं, वो भी डी कंजेस्टेंट की तरह काम करते हैं। जो हम पानी के अंदर विक्स, गर्म पानी के अंदर विक्स घोल के उसकी स्टीम जो लेते हैं, वो भी डी कंजेस्टेंट की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो बंद नाक को खोलने में हेल्प करे, उसको डी कंजेस्टेंट बोल रहे हैं, ठीक है। एंटी इन्फ्लेमेटरी वो हो गया कि जो इचिनेस प्लस जो खुजली वगैरह, जो जितनी भी इस टाइप की सेंसेशन होती है, उसको थोड़ा सा कम करेगी, एंटी इन्फ्लेमेटरी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉमन कोल्ड। तो वायरस का नाम क्या है, राइनो वायरस, ठीक है। नाउ सेकेंड डिजीज इज डेंगू फीवर। सो इट इज, फर्स्ट पॉइंट इसका, कॉज्ड बाय फ्लेवी वायरस। वहां पे था राइनो वायरस, यहां पे है फ्लेवी वायरस। सेकेंड पॉइंट, पैथोजन इज ट्रांसमिटेड थ्रू वेक्टर। वेक्टर हम उस चीज़ को बोलते हैं जहाँ जो एक पैथोजन को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर लेके जाए, ठीक है। तो वेक्टर है यहाँ पे आपका एक मच्छर, ठीक है। सो पैथोजन इज ट्रांसमिटेड थ्रू वेक्टर। कौन सा वेक्टर, एडीज एजिप्टाई मॉस्किटो। जैसे हम बोलते हैं ना एनाफ्लीज, फीमेल एनाफ्लीज मच्छर जो है वो आपका मलेरिया में वेक्टर का काम करते हैं। तो यहाँ पे उसका नाम क्या, मच्छर का नाम एडीज इजिप्टाई। इजिप्ट कंट्री जो है उससे लिया है नाम, इजिप्टाई। थर्ड,
सिम्टम्स क्या हैं इसके? सिम्टम्स में सबसे पहले आपका हाई फीवर। देखो, जब भी किसी को डेंगू फीवर होता है तो स्टार्टिंग में कभी नहीं पता चलता कि इसका ये नॉर्मल फीवर है या डेंगी फीवर है, ठीक है। तो हिंदी में हम इसको डेंगू बोलते हैं, पर एक्चुअली में इंग्लिश में क्या प्रोनंसिएशन है इसकी? डेंगी फीवर, ठीक है। तो स्टार्टिंग में नहीं पता चलता कि डेंगी फीवर है या नहीं है, 3-4 दिन तक बुखार नहीं उतरता नॉर्मली एंटीपायरेटिक्स देने के बावजूद भी, तो फिर डॉक्टर बोलता है कि आप ब्लड टेस्ट करवाओ, ठीक है। ब्लड टेस्ट में अगर आपके प्लेटलेट्स बहुत कम मिले तो पूरे चांसेस हैं आपको ये डेंगी फीवर का अटैक हुआ है। तो एक सिम्टम है हाई फीवर, दूसरा सिम्टम है आपका पेन बिहाइंड आईज, ठीक है। तीसरा है हेडेक, मतलब सिर में भी दर्द है और आंखों के पीछे भी दर्द है। फोर्थ है जॉइंट्स के अंदर पेन। इसका जो पेशेंट होता है वो ठीक होने के बाद भी कम से कम 10-15 दिन तक उसके जोड़ों में दर्द रहता है। उंगलियां जो हैं, उंगलियां वो ऐसे करेगा तो भी उसके यहाँ पे दर्द होगा, जॉइंट्स जितने भी हैं। उसका जो घुटना है, घुटने के अंदर भी दर्द होगा, ठीक है। तो सीवियर जॉइंट पेन, पांचवा नेक्स्ट पॉइंट ई पार्ट यहां पर लिख देता हूं, प्लेटलेट काउंट डिक्रीजेस, मैंने ऐसे लिखा है नीचे की तरफ एरो, ठीक है। प्लेटलेट काउंट डिक्रीजेस फ्रॉम 1.5 to 3.5 lakh, नॉर्मली इतना होता है 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट काउंट, तो इतने से 20,000 पे आ जाता है वो सिर्फ पर ml ब्लड। तो प्लेटलेट काउंट इतना कम हो गया, तो प्लेटलेट काउंट इतना कम हो क्यों रहा है? एक्चुअली जो यहाँ पे जो वायरस है वो क्या करता है, एक तो आपकी बोन मैरो जो है उसके ऊपर अटैक करता है। बोन मैरो का फंक्शन होता है, चाहे वो RBC हो, WBC हो, प्लेटलेट हो, ऑल टाइप ऑफ सेल्स, ब्लड सेल्स विल बी फॉर्म्ड ओनली इन बोन मैरो। तो प्लेटलेट काउंट कैसे कम होगा? एक तो बोन मैरो को उसने इफेक्ट कर दिया, वहाँ से प्लेटलेट नहीं बन रही है। दूसरा, ये एक ऐसी एंटीबॉडीज बनाता है फ्लेवी वायरस, कि वो एंटीबॉडीज आपकी जो प्लेटलेट हैं ऑलरेडी प्रेजेंट, नहीं तो बन नहीं रही हैं, तो जो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं उसको भी वो क्या करता है, डिग्रेड कर रहा है, डिकम्पोज कर रहा है। वैसे लिखने की है नहीं NCERT में, लिख देते हैं चलो। प्लेटलेट काउंट क्यों डिक्रीज होती हैं? बिकॉज पैथोजन इनएक्टिवेट्स बोन मैरो टू स्टॉप प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट, टू स्टॉप प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लेटलेट, नहीं तो बन नहीं रही है। एंड एंड द एंटीबॉडीज सिक्रेटेड बाय इट विल डिग्रेड ऑलरेडी फॉर्म्ड प्लेटलेट्स, कि जो ऑलरेडी बनी हुई थी
उसको तो ये एंटीबॉडी ने डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, ये एंटीबॉडी जो है, और जो नई बननी थी उसको रुकवा ही दिया बाय इनएक्टिवेटिंग बोन मैरो। तो जो आपका टोटल ब्लड काउंट, ब्लड में प्लेटलेट काउंट था, वो बहुत कम हो गया, ठीक है। सो दीज आर सम सिम्टम्स। तो इसके लिए जो प्रिवेंशन एंड क्योर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फोर्थ पॉइंट है इसका प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में सिंपल पॉइंट लिखने हैं आपने, यूज ऑफ मॉस्किटो नेट, हम जाली लगा के सोएं, ठीक है, मच्छरदानी वगैरह, यूज ऑफ मॉस्किटो नेट्स, और आपका अवॉइड स्टैग्नेंट वाटर, अवॉइड वाटर स्टैग्नेंस। वाटर स्टैग्नेंस मतलब पानी का जमा होने देना। आपने देखा होगा टीवी पे ऐड आती है कि डेंगू मच्छर के डेंगू फैलाने से रोकना है आपने, तो आपने जो साफ पानी है उसको इकट्ठा होने से प्रिवेंट करना है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब डेंगू का सीज़न आता है तो दिल्ली वाले एरिया में मोस्टली ये होता है कि जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो आते हैं आपके कूलर में एक लिक्विड डालने, ठीक है, या फिर वो बार बार में चेक करके जाते हैं आपकी पानी की टंकी में कोई मच्छर तो नहीं है, आपके कूलर में कोई मच्छर तो नहीं है। अगर होते हैं मच्छर तो चालान कट जाता है, ठीक है। तो रेगुलरली आपने साफ करने होते हैं। सो ये तो प्रिवेंशन हो गया। क्योर, पहली बात तो देर इज नो प्रॉपर वैक्सीन फॉर डेंगू फीवर, ठीक है, नो वैक्सीन। तो वैक्सीन नहीं है तो क्या होता है, क्या करेंगे? अल्टीमेटली द पेशेंट हैव टू डिपेंड ऑन इनटेक ऑफ फ्लूड्स, ज्यादातर उसने फ्लूड्स लेने हैं, ठीक है। पेशेंट इज एडवाइज्ड टू टेक फ्लूड्स। तो ये जो टोटल डेंगू फीवर है वो आपका चलता है 3 से 14 दिन तक, ठीक है। कॉमन कोल्ड कितने दिन? 3 से 7 दिन, ये 3 से 14 दिन। तो ये भी क्या है, एक वायरल फीवर है डेंगू फीवर। अब करते हैं नेक्स्ट थर्ड डिजीज, इसको हम ऐसे ही रख देते हैं, लिखने का टाइम बच जाएगा हमारा। तीसरा हमारा थर्ड डिजीज जो है चिकनगुनिया। ठीक है, चिकनगुनिया। तो सबसे पहले इसका भी वही लिखेंगे, इट इज कॉज्ड बाय ए टाइप ऑफ वायरस विच इज कॉल्ड एज अल्फा वायरस, और इसको हम चिकनगुनिया वायरस भी बोल देते हैं सिंपल फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट लाइन आपकी बिल्कुल सेम रहेगी, द पैथोजन इज ट्रांसमिटेड थ्रू द सेम वेक्टर दैट इज एडीज एजिप्टाई। ठीक है, तो ये लाइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, चाहे आपका डेंगू फीवर था चाहे आपका चिकनगुनिया है, दोनों के दोनों का जो वेक्टर होगा दैट ही विल बी एडीज एजिप्टाई। नाउ सिम्टम्स में आ जाते हैं, सिम्टम्स में मोस्टली सिम्टम्स सेम होंगे, ये प्लेटलेट वाला पॉइंट हम काटना पड़ेगा हमें।
हाई फीवर भी होता है, पेन बिहाइंड आईज हटाना पड़ेगा, सो सिम्टम्स हैं आपके सीवियर जॉइंट पेन, मसल पेन, नौसिया, फीवर जो है वो 104 डिग्री सेंटीग्रेड 104 फारेनहाइट तक पहुंच जाएगा, ठीक है, 104 तक फीवर हो जाएगा। बी है जॉइंट पेन, इसका जो जॉइंट पेन होगा दैट विल नॉट बी सो सीवियर इफ़ वी कंपेयर इट विद द प्रीवियस वन, दैट इज डेंगी फीवर। डेंगी फीवर में थोड़ा सा ज़्यादा जॉइंट पेन होता है, यहाँ पे उससे थोड़ा सा कम होगा। डी होगा नोजिया, नोसिया भी बोलते हैं इसको, ठीक है। नोसिया होता है फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, कि आपको लगेगा कि वॉमिटिंग आएगी पर वो आ नहीं रही है। ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इट इज फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग। आई फीवर, जॉइंट पेन, हेडेक, ठीक है। फिटिग एंड रैशेस, ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, ये ना भी लिखेंगे हम तो भी चल जाएगा। फिटिग को हम ज़्यादा सिम्टम्स में नहीं इंक्लूड करते, ठीक है। फिटिग मतलब थकान हो जाना और स्किन के ऊपर रैशेस पड़ जाना। फिर इसका भी प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन यूज ऑफ मॉस्किटो नेट्स एंड अवॉइड स्टेगनेंट वाटर, सेम कि हमने मच्छर से दूर रहना है, चाहे हम मॉस्किटो कोयल लगा लें, चाहे हम मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स लगा लें, तो वो भी लिख सकते हो इसके अंदर, मैंने ज़्यादा जानबूझ के नहीं लिखा है, ये सिंपल पॉइंट है। तो मॉस्किटो नेट लगाओ, वाटर खड़े नहीं होने देना है हमने, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स लगा सकते हैं हम, ठीक है। तो दिस इज़ द मेथड टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ चिकनगुनिया। क्योर, इसका भी कोई क्योर नहीं है, नो प्रॉपर वैक्सीन, ठीक है। तो वायरल डिजीज़ के अंदर चाहे आपकी डेंगू फीवर था, चाहे आपका चिकनगुनिया है, दोनों के अंदर कोई वैक्सीन नहीं है अभी तक। तो हमारा मेन फोकस कहाँ पे होता है, प्रिवेंशन पे, हमने इसको होने ही नहीं देना, ठीक है। अगर हो गया तो फिर मुश्किल है, क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन या ट्रीटमेंट या क्योर नहीं है। तो ये थी आपकी वायरल डिजीज़, अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर। नेक्स्ट कैटेगरी इज प्रोटोजोअन डिजीज। बल्कि प्रोटोजोअन की बजाय पहले हम थर्ड कैटेगरी जो है फंगल डिजीज लिख लेते हैं। फंगल डिजीज में सिर्फ एक ही है आपकी, द मेन डिजीज इज रिंग वॉर्म। ठीक है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, caused by, it may be caused by three different type of fungus, microsporum, trichophyton and epidermophyton. फाइटन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें ट्राइको आ गया, इसमें एपिडर्मो, एपिडर्मो मतलब स्किन, एपिडर्मल लेयर। तो स्किन डिजीज ही होती है फंगल डिजीज मोस्टली आपकी।
नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, फंगल डिजीज जब भी होगी दैट रिक्वायर्स ह्यूमिडिटी, मतलब वो ऐसा रीजन चाहिए उसको जहाँ पे वेटनेस या ड्राइनेस ना हो, ठीक है, थोड़ा हाँ ह्यूमिड इन्वायरमेंट हो, जैसे आपके आर्म पिट्स के अंदर हो गया या ग्रोइन रीजन के अंदर हो गया, थाइस के पास वाला एरिया, तो जहाँ पे साफ़ सफाई थोड़ी सी कम होती है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा होती है, खासकर जो हम बोलते हैं कि बच्चों के अंदर मोस्टली ये होता है बारिश के मौसम में, क्योंकि बारिश के मौसम में जो अंडरवियर्स वगैरह वो प्रॉपरली नहीं सूख रहे हैं, उसी को अगर बच्चा बार बार में पहनता है तो क्या होता है, वहाँ पे पहले रैशेज होने स्टार्ट होते हैं एंड दैट मे लीड टू रिंगवॉर्म, ठीक है। सो कॉज्ड बाय माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन फंगस, ये सारी फंगस हैं। सो नेक्स्ट इज बस उसी पॉइंट को लिख रखे हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में इन्फेक्टेड टॉवल से हो सकता है, मतलब एक पेशेंट है जिसको ऑलरेडी रिंगवॉर्म हो रखी है, फंगल डिजीज है, उसका टॉवल किसी दूसरे ने यूज कर लिया, ठीक है, इन्फेक्टेड टॉवल, इन्फेक्टेड अदर आर्टिकल्स, वो अदर आर्टिकल्स में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तीसरा, इट अकर्स इन एरियाज लाइक ग्रोइन, GROIN, ग्रोइन रीजन, ग्रोइन रीजन हो गया जिसके अंदर आ गई आपकी आर्मपिट्स एंड एरिया बिटवीन थाइज, ठीक है। मोर चांसेस, मोर चांसेस इन ह्यूमिड कंडीशंस, तो जब ह्यूमन कंडीशंस होगी उस टाइम पे रिंगवॉर्म डिजीज होने के चांसेस ज्यादा हैं। नेक्स्ट आ गया सिम्टम्स, सो सिम्टम्स में क्या होगा, ड्राइनेस भी हो सकती है, ड्राइनेस एंड ETCH, itchiness of skin, scaly skin हो सकती है, तीसरा skin के अंदर अगर हमने ज़्यादा खुजलाया तो वहाँ पे घाव बन सकते हैं, ठीक है, तो घाव के लिए हम लिखते हैं lesions, लेसन्स मतलब घाव में अपीयर ऑन स्किन, ठीक है। नेक्स्ट आ गया इसका ट्रीटमेंट या क्योर, तो बहुत सारी एंटी फंगल हमारे पास वो होती हैं ड्रग्स, तो यूज ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स, और अगर
देसी नुस्खा अपनाते हैं तो उसके अंदर है एक यूज ऑफ सिडार एप्पल विनेगर। विनेगर हमने सब ने सुना ही होता है, ठीक है। तो ये बनता है जब हम एप्पल को फर्मेंटेशन करते हैं तो उससे जो लिक्विड निकलेगा उससे बनेगा आपका एप्पल सिडार एप्पल विनेगर। तो अगर उसको हम अप्लाई कर लें डायरेक्ट लेसेंस के ऊपर, घावों के ऊपर, तो वो क्या करेगा, ये जो आपका रिंगवॉर्म वाली जो डिजीज़ है वो धीरे धीरे अपने आप ख़त्म हो जाएगी। सो यूज़ ऑफ सिडार एप्पल विनेगर ऑन इन्फेक्टेड एरिया ऑफ स्किन। अब ये सिडार ये बनता कैसे है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ले देता हूँ। फॉर्म्ड बाई फर्मेंटेशन ऑफ फ्रेश एप्पल्स। ये कई सारी जगह पे यूज होता है। दिस विनेगर इज ऑल्सो यूज बाई कुक्स जो डिफरेंट टाइप का खाना वाना बनाने में काम आता है, अचार में भी काम आता है ये, ठीक है। तो इसका एक सिम्टोमेटिक एप्लीकेशन भी है जो आपका रिंगवॉर्म को ख़त्म करेगा, ठीक है। सो फंगल डिजीज में आपका एक ही था ऑप्शन, रिंगवॉर्म। तो अब जो नेक्स्ट होगी आपकी वीडियो उसमें हम करेंगे प्रोटोजोन डिजीज प्लस तो जो अभी आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम करेंगे प्रोटोजोन डिजीज जिसके अंदर मलेरिया आएगा, प्लस अमीबियसिस आएगी और फिलेरियल डिजीज, हेलमिंथिक डिजीज, ठीक है। तो दो डिजीज उसके अंदर हैं, प्लस एक जनरल सा टॉपिक कि प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो ये तीन टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।